नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब? और सुनाओ, सब घर पे ठीक ठाक है मम्मी पापा? तो भाई आज की जो वीडियो ना आपके लिए स्पेशल ओप्पो के अनलॉकिंग के ऊपर वीडियो है। इसमें जो कुछ भाइयों को जो परेशानी हो रही थी ना कि हम ओप्पो A3s कैसे करें और ओप्पो A5 2020 CPH 1931 वो कैसे करें, या ओप्पो A5 CPH 1809, मतलब कुछ मॉडल ऐसे हैं ओप्पो के जिसके अंदर कॉलकॉम सीपीओ EMMC IC लगी हुई है, तो उन फ़ोनों को हम कैसे करें, उनका कोई अपडेट नहीं है। तो भाई उन्हें अनलॉकिंग करने के लिए ना, आपको इन्हें कुछ हार्डवेयर टूल हैं, इन्हें बोलते हैं ZS ISP पिनआउट बोलते हैं। पहले UMT के आते थे, मेडिकल के आते थे, वो आते थे। तो वो फ़िलहाल उनमें क्या था कि उनमें रजिस्टेंस हमें लगानी पड़ती थी, बहुत सारी प्रॉब्लम होती थी। तो जो ये है ना ZS ISP पिनआउट, बहुत बंदों के पास में है ये वाले और बहुत बंदे इन्हें यूज कर रहे हैं। तो अब यूज कर रहे हैं, बहुत से भाइयों को कुछ पता ही नहीं है कि हम इन्हें कैसे कनेक्ट करें, कहाँ दिक्कत होती है। एक बंदे ने तो मेरे को इतना परेशान किया दिन में, उसने मतलब मिनट में कॉल करके, सर कैसे करूँ, ये करूँ, पहले विंडो में प्रॉब्लम थी, फिर वो करवाया ठीक, फिर वो करवाया। हार के मतलब समथिंग हार के उस बंदे ने फाइनल ही इस टूल से 3 फोन एक साथ में अनलॉक किए। बताओ, मेरा भी दिमाग खाया, अपना भी खर्च किया और जब जाके उसे सीखने के लिए कुछ मिला, ठीक है। तो ये टूल पता कितने का, ये टूल सिर्फ 1500 रुपये का, और इसे आप UMT और आप मेडिकल थंडर और कोई मतलब नहीं, ये दो ही हैं EMMC टूल जो सिस्टम के अंदर होता है और ये हार्डवेयर टूल होता है, तो इससे आप अनलॉक कर सकते हो। और बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है। इसके ऊपर मैं दोबारा से एक वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि कई वीडियो मैं इससे बना चुका हूँ तो कुछ लोगों को पता नहीं है, तो ये दोबारा से री करके मैं बना रहा हूँ। और जैसे देखो कि मेरे हाथ में एक ओप्पो का फ़ोन है, ये देख रहा होगा, ये ओप्पो A5 है सिर्फ, और इसका जो CPH है ना 1809 है। इसी तरीका का आपके पास में कोई भी ओप्पो A3s आए या ये ओप्पो A5 2020 CPH 1931 आए, तो उन्हें आप सिंपल ही अनलॉक कर सकते हो। सिंपल सा स्टेप है, कुछ भी नहीं है, आसान सा तरीका, बस आपका हार्डवेयर स्किल अच्छा होना चाहिए, आपको हार्डवेयर में अच्छा वर्क होना चाहिए। ये नहीं कि आप फ़ोन को खोलो, कहीं से काटा पीटी करो कि फ़ोन को डेड कर दो, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप हार्डवेयर में अच्छे हो, अच्छा काम कर लेते हो, टांके टूके अच्छे से लगा लेते हो, तो काम करो, अगर वरना नहीं करो। अगर आप हार्डवेयर में सही नहीं है तो बिल्कुल अवॉइड कर दो इस चीज़ को, आप नहीं कर सकते। जितना भी काम करो USB से करो, ठीक है। और इनका कोई नया अपडेट आएगा तो ज़रूर आपको दूंगा मैं, ठीक है। तो फटाफट से अब मैं इस फ़ोन को फास्ट में खोलता हूँ और कैसे काटता हूँ वो भी आपको बताऊँगा, और टांके कैसे लगाने चाहिए वो भी बताऊँगा। बहुत सारे बंदे गड़बड़ कर देते हैं कि टूल तो उन्होंने ले रखा, उन पे चली नहीं रहा, मेरा फ़ोन डेड हो गया या टांके गलत हो गए और ये ऐसे हो रहा। तो कुछ मिस्टेक आप करते हो, उन मिस्टेकों को मैं आज आपको बताऊँगा कि आपको किस तरीका से सिंपल सा करना है। तो उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आप 57% लोग मेरे चैनल को देखते हैं लेकिन वो सब्सक्राइब नहीं करते, तो ज़रूर करो चैनल को सब्सक्राइब। और कोई भी नई वीडियो आती है तो यार आपको नोटिफिकेशन मिलता है, और सब्सक्राइब फ्री में होता है, कोई पैसे चार्जेबल नहीं होता उसका, ठीक है। तो सब्सक्राइब करो, मुझे नहीं पता, रेड बटन ब्लैक हो जाना चाहिए और बेल आइकन प्रेस हो जाना चाहिए, और वीडियो को फटाफट से लाइक कर दो। अब ये देखो, अगर आपके पास कोई भी फ़ोन आता है ओप्पो का और आपको कुछ नहीं पता कि वो फ़ोन कौन सा है, कौन सा मॉडल है, क्योंकि ओप्पो के, वीवो के, रियलमी के उन पर स्टिकर होता, वो स्टिकर उछल जाता जब नया फ़ोन आता। तो अगर आपको नहीं पता तो वीवो को तो कह नहीं सकता, मैं ओप्पो रियलमी की बात आपको बता रहा हूँ। ओप्पो रियलमी में एमरजेंसी पे जाना है, *#899# प्रेस करोगे तो ये इंजीनियरिंग मोड आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर वर्जन पे जाना है, तो सॉफ्टवेयर वर्जन पे जैसे आप क्लिक करोगे, देखो CPH 1809 ये आ गया, आपको दिख रहा होगा अच्छे से, ठीक है। तो ये CPH 1809 ओप्पो A5 मॉडल है, और इसका हम इसको अनलॉक करके दिखाएंगे इस टूल से, ठीक है। आपके पास ये टूल भी होना चाहिए और एक UMT भी होना चाहिए, और UMT के अंदर एक MMC एक्टिवेशन भी होना चाहिए। ये 3 चीज़ आपके पास होनी चाहिए, UMT डोंगल,
और इसके अंदर एक MMC एक्टिवेशन जो 1200 रुपये का होता, और एक ये हार्डवेयर टूल जो 1500 रुपये का होता, और जो UMT डोंगल होता वो 3000 रुपये का होता है। ये तीन चीज़ होंगी तो आप ओप्पो का कुछ जो कॉलकॉम CPE वाले फ़ोनों को अनलॉक कर सकते हो। ठीक, VCCQ वाला ट्रैक यहाँ पे लगाना 1.8 पे। ठीक है, अब ये देखो मैंने यहाँ पे ERD की पहले ही डाटा केबल इसमें लगा दी है VCC और VCCQ की सप्लाई के लिए, और एक ही डाटा केबल लगा दी है इसमें। अब ये देखो अभी मैंने डाटा केबल अटैच नहीं करी है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले हमें करना होगा कि हमें जो फ़ोन वाली सप्लाई है वो लगानी है आपको। फ़ोन वाली सप्लाई के तार किधर गए, फ़ोन वाली सप्लाई के तार ये रहे इधर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लगाएंगे, ये लगा दिया हमने ये फ़ोन वाली सप्लाई। ठीक है, तो ये देखो, और जो अब हमें लगाना है ये कार्ड रीडर ZS वाला टूल। तो ये देखो ZS वाले टूल में ये बत्ती ब्लिंकिंग होगी दो, एक रेड और एक ग्रीन। ठीक है, तो अब देखो मैं आपको सिस्टम पे दिखाता हूँ कि जितना भी सिस्टम का काम है ना, जितना भी सिस्टम का काम है, कुछ भी नहीं है सिस्टम का काम, आपको क्या करना, माई कंप्यूटर पे राइट क्लिक करोगे तो डिवाइस मैनेजर होता मैनेजर। ठीक है, तो इस पे क्लिक करना है, और इस पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो डिवाइस मैनेजर पे जाओ, ये डिवाइस मैनेजर हो गया। और ये देखो यहाँ से आने के बाद में ये डिस्क ड्राइव हो गया, और ये हमारा जो जर्नल स्टोरेज है इस पे प्रॉपर्टी इसकी चेक कर लो कि कितना स्टोरेज आ रहा है कितना नहीं आ रहा। हो सकता है ये कैमरा थोड़ा हिले जुले, ये यहाँ पे मैं प्रॉपर्टी चेक कर लेता हूँ। ये देखो 29.820, मतलब ये फ़ोन 32 GB का फ़ोन है। बताओ देखो मैंने कितने टाँके लगाए। ठीक है, अब ये फ़ोन हो गया कनेक्ट। अब ये देखो, ठीक है, अब एक सिंपल सा स्टेप करना होगा। सिंपल सा स्टेप क्या करना होगा, हमारा UMT लगा हुआ, ये लगा हुआ। ठीक है, तो अब हमें क्या करना हो, MMC टूल ओपन करना। ये ओपन किया मैंने यहाँ से, ये देखो आपके सामने बिल्कुल लाइव है, इसमें कोई एडिटिंग ना कटिंग ना कुछ, बिल्कुल प्रॉपर है इसमें। ठीक है, अब ये देखो ना हमें पोर्ट स्कैन करने की ज़रूरत पड़ेगी ना कुछ,
हमें EMMC हार्डवेयर टूल बाद में ओपन करना, पहले फ़ोन को यहाँ से वेरीफाई करना कि फ़ोन कनेक्ट हुआ नहीं हुआ। ये देखो मैंने ओपन किया, ना मैंने स्कैन किया ना कुछ किया, 29.12 GB आ गई। तो ये फ़ोन हमारा कितना 32 GB का फ़ोन है, और सिंपल सा इसे कनेक्ट पे क्लिक कर देंगे। अब ये देखो ये फ़ोन कनेक्ट हो गया, एक ही बार में कनेक्ट हो गया ना। अब हमें क्या करना, सर्वर पे जाके फॉर्मेट यूजर डाटा पे जाना है, सेफ मोड पे रखना है, एक्सक्लूसिव इसे कर देना है। अब यहीं से ये फ़ोन सिंपल सा फॉर्मेट हो जाएगा, देखो सेफ मोड डन, ठीक है ये हो गया। अब इतना ही काम था इसमें, इतना ही काम था और बस, देखो इतना सा ही काम था, कुछ भी नहीं था ना। सिंपल सा चार ट्रैक लगाए, जिस तरीका से मैंने फ़ोन को फॉलो किया, मतलब स्टेप बाय स्टेप बताया, समझाया, कहीं भी कुछ दिक्कत नहीं हुई। और एक आसान सी वन क्लिक से आपका ओप्पो A3s, ओप्पो मॉडल भूल जाता हूँ, ओप्पो A3s में दो मॉडल हैं, जो CPH 1803 है, 1853 है, ओप्पो A5 2020 CPH 1931, ठीक है, और ओप्पो A5 1809, ये हमारा ओप्पो A5 1809 है। सिंपल से स्टेप थे, उसी तरीका से आपको करना है, और वो मैंने करके दिखा दिया। अब देखो मैं इसे डिसेबल करता हूँ, डिसेबल करने के लिए सिंपल सा पहले इनको यहाँ से डिसेबल करो, और डिसेबल करने के लिए आपको यहाँ पे टांके को रिमूव कर देना। ये देखो डिसेबल मैंने कर दिया, और यहाँ पे आपको ना बैटरी कनेक्ट नहीं करनी है, कभी फ़ोन को डेड कर दो। अगर बाय चांस ऐसे करने में आपका फ़ोन बंद हो जाए, तो आपके जो CL के CMD होते हैं उन्हें एक बार रीसोल्ड करके देख लो, क्या पता आपसे CL के CMD ट्रैक मिस हो गया हो, ठीक है। तो ये देखो मैं आपके सामने ये यहाँ से किया, और यहाँ से करने के बाद ये बैटरी यहाँ से कनेक्ट की, और ये देखो, ये देखो अभी देखो फॉर्मेट का ऑप्शन आएगा इस पर, ये देखो सिंपल सा स्टेप था यार, आसान सा तरीका था। हार्डवेयर तो यार इतना अच्छा आता होगा आप पे, करो स्टेप बाय स्टेप फॉलो करो, कहीं कोई परेशानी नहीं आएगी। जैसे मैंने टांके लगाए ऐसे टांके लगाना बिना माइक्रोस्कोप के, और आप ये सोचते हैं कि ये टांके माइक्रोस्कोप से लग सकते, नहीं। अभी मेरी दुकान में ना बहुत अंधेरा हो रहा है, ये लाइट का थोड़ा वैसे, क्योंकि मैंने दोनों शटर गिर रखे हैं, वरना मेरे को माइक्रोस्कोप की भी कोई ज़रूरत नहीं है, बाकी नॉर्मल ही काम कर लेता हूँ जितना भी होता है, ठीक है ना। तो वो ये माइक्रोस्कोप सिर्फ आपको दिखाने के लिए, उत्साह करने के लिए मैंने माइक्रोस्कोप ले रखी है, और जितना भी है ठीक है, बाकी काम करता है माइक्रोस्कोप। कुछ काम ऐसे होते हैं जो बिना माइक्रोस्कोप के काम नहीं होता। अभी तलक जितना भी है ना ओप्पो के जो MT के CPU फ़ोन है ना, वो तो नॉर्मल USB से हो रहे हैं, और जो कॉलकॉम CPU वाले हैं उन फ़ोन को खोलना पड़ता, काटा पीटी करना पड़ता, इस तरीका से होता। मैं रियल बता रहा हूँ, जिस तरीका से मैंने किया उस तरीका से आप करोगे, एक भी फ़ोन आपका डेड नहीं हो सकता, एक भी फ़ोन, ठीक है। अब इसकी क्या कीमत है, 1500 रुपये, और जब आप ये फ़ोन अनलॉक करोगे तो कितना पैसे लोगे, तो एक कस्टमर से दो फ़ोन तीन फ़ोन में आप अपना कीमत कर सकते हो वसूल, ठीक है ना। तो आसान से स्टेप पे स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया करो, और काम इसी तरीका से होता है, और कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसी बात के ऊपर पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और वीडियो को लाइक करो, और एक अच्छा सा कमेंट बताओ कि आप